अभी हम लोग खड़े हैं ABJ ट्यूटोरियल कोटा, ये इंस्टीट्यूट, ये संस्था में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है यहाँ के MD प्रतिथेश्वर झा जी, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका SK लाइव में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम जी। तो सर, हम पूछना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये यहाँ का आपका जो ये संस्था चल रहा है, तो ये किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे उनका स्किल डेवलप किया जाता है? जैसा कि कोटा में कल्चर है कि हम बच्चों को तैयारी कराते हैं जनरली इंजीनियरिंग में, IIT JEE और स्टेट लेवल के जितने, पहले तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बहुत होते थे, उसके साथ साथ नीट और एम्स में हमारा जो सिलेक्शन है उसको लेके हमारे जितने भी फैकल्टी हैं वो सभी ओरिएंटेड हैं। अब इसमें क्या है कि जैसा कि कोटा का कल्चर है कि बच्चों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए, जो कोटा का कल्चर एज इट इज़ है वही हम यहाँ पे लेके आए हैं इसी सिस्टम को। इसमें बच्चा साल, एक साल का एक बैच है, एक बैच दो साल का है, एक बैच जो है वो आपका 6 मंथ का जो आपका पास आउट होता है उसके लिए है। अब इसके अंतर्गत हम बच्चों को विशेषता इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कोई ना कोई डाउट ना रहे बच्चे के दिमाग में, और अगर डाउट आता भी है तो सेपरेट डाउट काउंटर्स हैं हमारे। क्लास ख़त्म होने के बाद फैकल्टीज़ जो हैं वो बच्चों को 15 मिनट 20 मिनट का अलग से डाउट काउंटर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो भी डाउट है बच्चे का वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, और एवरीडे 300-250 सवाल का प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। तो सर, ये जो यहाँ पे है कि कोटा शब्द का जो आपने यूज़ किया है, तो क्या कोटा की तरह ही यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या उसी बेसिस पे यहाँ पे पढ़ाई होती है? जी बिल्कुल, आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं खुद पहले कोटा की एक भावी संस्था में मतलब सीनियर फैकल्टी रह चुका हूँ, और हमारे साथ जितने भी कलीग्स हैं, जो भी हमारे साथ टीम मेंबर्स हैं, ये सभी किसी न किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस को एक ज़माने में लीड कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पे आए हैं पिछले 1.5-2 सालों में। IIT JEE में आप देख सकते हैं हमारा 12 रिज़ल्ट है, इस साल भी नीट में से 8 में 5 बच्चों ने सिलेक्शन दिया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबका नामांकन हुआ है। तो कोटा में क्या होता है कि जिस तरीके से बंगाल के, बिहार के, UP के एंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वहाँ जाते हैं, तो अगर कोई बच्चा 10th पास करके वहाँ पे गया है मान लीजिए, तो 11th 12th वहाँ पे रह के तैयारी करता है, रेसिडेंशियल बैच होता है। सेम यही पर्पस हमारा भी है, कुछ स्कूल्स के साथ हमने टाई अप कर रखा है, बच्चा क्लासेस हमारे यहाँ मॉर्निंग में 7:30 से लेके दिन के 2 बजे तक करता है, 2 बजे क्लास ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बच्चा जाके घर पे रेस्ट करता है या फिर आके क्वेश्चंस बनाता है। इसके बावजूद जब वो घर चला जाता है तो एवरी सब्जेक्ट्स में उसको 150-200 क्वेश्चंस का प्रेशर रहता है, जिससे कि बच्चा क्वेश्चंस बनाए, 150 नहीं तो कम से कम 50-60 तो बनाएगा ही, बोलिए। और इसके साथ ही क्या है कि एवरी 21 डेज पे हमारा माइनर टेस्ट सीरीज चलता है, जो कि IIT और नीट के लेवल पैटर्न का ही होता है एज इट इज़। इससे क्या है कि बच्चों को जब सपोज़ कीजिए कि कोई फाइनल मैच खेलने जा रहा है, तो उससे पहले उसको सेमीफाइनल, प्री फाइनल, ये सब का प्रैक्टिस हो जाता है। तो हमारा मेन मेथडोलॉजी इसी चीज़ पे है कि कितना अच्छा से अच्छा हम बच्चों को डिलीवर करें, और आसपास के जितने भी निकटवर्ती क्षेत्र हैं सिलीगुड़ी से, तो सिलीगुड़ी एक ऐसा हब बने जहाँ पे आसपास के बच्चे ABJ ट्यूटोरियल्स कोटा के नाम से आएँ, ताकि जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग उनको कोटा में मिल रहा है वही सेम सिस्टम हम यहाँ सिलीगुड़ी में बच्चों को प्रोवाइड करें। जी सर, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन से विषयों की पढ़ाई दी जाती है और वे कैसे शिक्षित होते हैं बच्चे? 2 स्ट्रीम हैं, एक हो गया आपका इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और दूसरा हो गया आपका मेडिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी बॉटनी एंड जूलॉजी है, तो अपने पास हर तरीके के निपुण शिक्षकगण हैं जो इस चीज़ में बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आसानी से नीट और JEE हम लोग बच्चों के साथ मेहनत करके अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं उसमें। और पढ़ाने का तरीका हमारा एक कोर्स कंट्रोल शीट है, जिसको कि रेगुलर 7 दिन पे अपडेट किया जाता है और उस हिसाब से चलता है। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक कोई भी आप पढ़े तो उसके पीछे शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, तो यहाँ पे किस प्रकार के शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी हौसलों को बुलंद करते, तो इस विषय में आप देखिए, जैसे हमारे यहाँ मैथ्स के जो शिक्षक हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं,
और एक कॉलेज थी यहाँ, कॉलेज है यहाँ पे, जहाँ पे वो HOD इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रह चुके थे। अभी वो हमारे यहाँ मतलब परमानेंट फैकल्टी मेंबर हैं। ऐसे फिजिक्स वाले सर एस्पायर क्लासेस कोटा में काम कर चुके हैं, बायो की जो मैम हैं कैटलाइजर इंदौर में काम कर चुकी हैं, मैं खुद कैरियर पॉइंट कोटा में काम कर चुका हूँ। तो वी आर मतलब सफिशियंट इनफ, और हम लोगों का जो टीम है वो पिछले 2 साल से कंटिन्यू रैंक दे रहा है सिलीगुड़ी में। तो उसको देख के मुझको लगता है कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट। बाद बाकी आप लोग बताएंगे मैम। तो सर यहाँ पे बच्चों को कितने दिन के प्रैक्टिस के बाद या फिर पढ़ने के बाद उनको आगे लेवल का जॉब या जो भी है उनको मिल जाता है? जैसा मैंने आपको बताया कि एक 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है जिसमें बच्चा 11th और 12th दोनों की तैयारी साथ में हमारे करता है। स्कूल एग्जामिनेशंस से के लेवल से स्टार्ट करते हुए हम पहुंचते हैं उसके कॉम्पिटिटिव लेवल पे। और इसमें क्या है कि जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है उसके हिसाब से बच्चों में एक प्रैक्टिस आ जाता है इस हिसाब से। और एक हमारा होता है 6 मंथ का, क्योंकि JEE अब साल में 2 बार होगा जी। तो उसको लेते हुए जो भी चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से आता है हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को उस हिसाब से ढालें और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हम लोग सिलीगुड़ी से दें। सर, तो सर ये जो आपका ABJ ये संस्था है, ये इंस्टीट्यूट है, तो इसका एम क्या है? सही मायने में इसका उद्देश्य है कि सिलीगुड़ी से ऑल इंडिया रैंक 1 आए, IIT में भी, नीट में भी और एम्स में भी। इसी में हम लोग लगे हुए तत्पर हैं, अब देखिए कब होता है। सर हमने सुना है कि इस साल आपके इंस्टीट्यूट से 8 में से 5 बच्चों ने बहुत ही उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से, तो इस विषय में आपका क्या कहना होगा? हाँ, नीट में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उसमें हमारे 8 बच्चों का जो एक बैच था उसमें से 5 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला है। रैंक तो ऐसे सबको मिल गया था लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 बच्चों ने किया है और वो उनके हार्डवर्क और हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी के कारण हुआ है। इसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं और जो बच्चे आज के डेट में हमारे यहाँ इनरोल हुए हैं उनको भी मोटिवेट मिलता है उन बच्चों को देख के। जो नेक्स्ट अभी 10-12 के एग्ज़ाम देंगे, इन फ्यूचर में बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आपको किसी चीज़ को पाना है तो आपको मेहनत करना है। तो जैसा आप सोचते हैं, अब क्योंकि 2 साल ऐसा होता है जिसमें बच्चा बहुत सारे डेविएशन से गुजरता है, तो इसमें क्या है कि बच्चों को एक हर 21 दिन पर जो हम टेस्ट लेते हैं उसके बाद ओरिएंटेशन और मोटिवेशनल सेमिनार होस्ट करते हैं, क्योंकि कोटा में फंडे नाम से क्लासेस होते हैं। आप सभी जानते हैं कोटा में आए दिन किस तरीके से मेथडोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज होती जा रही है, तो हम लोग भी उस चीज़ को अपने अंदर ढाल रहे हैं। और हमारा यही मोटिव है कि 10th और 12th जो बोर्ड है उससे किसी भी, सपोज कोई भी एक चैप्टर है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका जो होता है 0 लेवल यानी NCERT से होता है और उसको हम इन्हेंस करते हैं अप टू JEE एडवांस, JEE मेंस एंड नीट लेवल। तो इसमें क्या है कि बच्चों का 10th 12th बेसिस पे भी बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो हमारे यहाँ टेस्ट होता है वो भी बच्चा देता है और इंट्रेंस लेवल का भी टेस्ट बच्चा हमारे यहाँ देता है। सर यहाँ पे सिलीगुड़ी में अभी आने वाले दिनों में कितने और ब्रांचेस या शाखाएं खुल सकती है और कितना डेवलपमेंट इसका आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साल भी सिलीगुड़ी के प्रधाननगर में शाखा स्थापित है और हमारे हार्डवर्क और हमारे सिलेक्शन रेशियो को देखते हुए अभी तकरीबन मार्च तक 2 और शाखाएँ खुल रही हैं, ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल इन दोनों को मिलाकर है। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम पूरे वेस्ट बंगाल को लीड करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में आपके 2 और शाखाएं खुल रही है और आगे भी ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़े। तो सर ऐसा है कि सिर्फ कोटा में ही इसी इंस्टीट्यूट में लोग क्यों आए, दूसरे इंस्टीट्यूट में क्यों ना जाए, तो यहाँ पर क्या स्पेशल है? देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है हमारा पर्सनल केयर। पर्सनल केयर ऐसा कि अगर बैच में एक बच्चा भी आया है तो उसको बेस्ट केयर मिलेगा और उसको इतना अच्छा डेवलपमेंट मिले कि बच्चा बूस्टअप हो अपने आने वाले एग्जामिनेशंस को लेकर और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इस तरीके का बना रहे ताकि उसके दिमाग में एक लेवल तक ये सेट रहे कि नहीं, आई हैव टू क्रैक IIT JEE, आई हैव टू क्रैक नीट, आई हैव टू क्रैक एम्स। तो
और जगह जो चीज़ें होती हैं कि स्कूल के शिक्षक हैं दो दिन इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, दो दिन इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, दो दिन इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वैसा कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। जो भी फैकल्टीज़ हमारे यहाँ हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं फॉर कंप्लीट एडवांस लेवल एंड नीट लेवल एंड एम्स लेवल। ऐसा नहीं कि मतलब बोर्ड लेवल का पढ़ा के और हम उनको बोलें कि हम आपको एम्स लेवल का पढ़ा रहे हैं, ये नहीं। हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आने वाले दिनों में आपने क्या सोचा है कि और किस तरह से बच्चों को और अच्छे तरीके से, जैसे 250 क्वेश्चन रोज का हो रहा है, मिल रहा है, और बच्चे को 2-3 सब्जेक्ट्स में या फिर अलग अलग चीज़ों में पढ़ाया जा रहा है, तो और एक्स्ट्रा एडवांटेज में उनको क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं? स्मार्ट टैब वगैरह का है और ऐसे ही अगले साल जो है हम स्मार्ट क्लासेस का भी सोचेंगे। और आपको लोगों को पता है कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों प्रवेश परीक्षाएं जो हैं सो अब ऑनलाइन होने जा रहा है, तो उसी के साथ साथ इस साल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं दिसंबर जनवरी में कि हम बच्चों का जो एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन मोड में हो, जिसमें कि हम किसी भी साइबर कैफ़े या कहीं भी जिस जगह पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस का केंद्र रह चुका है वहाँ हम बच्चों को ले जाएँ, ताकि बच्चों का प्रैक्टिस जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी हो जाए। जी सर, और हम लास्ट में आपसे चाहेंगे कि आप एसके लाइफ के माध्यम से जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार से उन्हें कहेंगे कि हाँ आप आओ और यहाँ पे सीखो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा? एसके लाइफ के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को और सिलीगुड़ी वासियों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि मतलब बच्चों से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि बच्चे किस लेवल तक अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं, कि यू नो योर सेल्फ बेटर एज अदर्स कैन। ऑलवेज बी मोटिवेटेड, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और हमेशा एक जो हम कहते हैं जजमेंट जो है हमारा इस तरीके का होना चाहिए कि हम अगर कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बारे में ऑथेंटिसिटी जो है वो पता रहना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ उद्देश्य हमारा जो है क्या वो सफल होगा या नहीं होगा। तो अगर एबीजे ट्यूटोरियल्स कोटा की बात की जाए तो हम बच्चों के सिलेक्शंस को लेके हमेशा तत्पर हैं, बच्चों के डाउट्स को लेके हमेशा तत्पर हैं, और बच्चों के किसी भी तरीके का कोई केयर है बच्चों का, जैसे जो बच्चे बाहर के हैं, जैसे इस साल भी बिहार और झारखंड के कुछ बच्चे हमारे यहाँ हैं और हिल्स के भी कुछ बच्चे हैं, तो हमारा हमेशा ऐसा रहता है कि एज बीइंग अ लोकल गार्जियन हम बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखें और उनको नीट और जेई के लिए ऑलवेज बूस्ट अप करते रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ के जो MD है वो सर ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो मेडिकल साइंस को लेकर और साथ में इंजीनियरिंग को लेकर यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे 8 से 5 बच्चों को इस बार नीट में उन्होंने क्लियर किया है, बहुत ही अच्छे रैंक से वो पास किए हैं। तो भविष्य में भी आप भी आइए और यहाँ पर पढ़िए, ये इंस्टीट्यूट में आइए और आप भी सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। इसी के साथ कैमरामैन प्रदीप राय के साथ नेहा गुप्ता, SK Live।